मैं वन मोर न्यू प्लेट बथुआ कराए थे, बूंदी तैर रही है और हमने भी सदा आगे लगाई मेरे बथुए दा रहता आ भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते, क्या हाल है? पकड़ो यार, पकड़ो। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। क्या हालचाल है? तो दोस्तों, आज हम घूम रहे हैं मान भाई की गाड़ी में फ्रॉन्क्स, जो कि मैंने इनके बर्थडे पे इन्हें गिफ्ट दी थी। क्यों मान भाई? कह रहा हूँ भाई, तुमने स्कॉर्पियो तो दे दिया, अब गियर स्कॉर्पियो दे देंगे, कैसा आफत है। लेकिन हाँ, आपके बर्थडे पे बहुत तगड़ा सरप्राइज है भाई। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें थी, वो सारी काफी सारी चीजें क्लियर होगी। और आपके बर्थडे पे, मेरा बर्थडे पता ना कब है? 21 सितंबर 2025। 25 चल गया ना दोस्तों, बॉडी बनाई जा रही है बढ़िया। 25 चल गया, 24 और मैं अगले साल पहुंच गया। नहीं नहीं, 24 पे नितिन भाई करेंगे मुझे, मैं नाम नहीं लेता, सरप्राइज है। नाम तो तुमने ले दिया ना पहले ही। स्कॉर्पियो अब तो पहले ही बता देंगे, क्योंकि तुम सबको तो यार पता ही है कौन कौन सी गाड़ी आवेगी, क्या नंबर आवेगा, तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारी थार बुक हुई पड़ी थी, लेकिन थार अब हमने कर दी कैंसिल, बोर हो गए हम अपनी थार से, क्योंकि हमारे पास एक और थार खड़ी है। और ये ब्लॉगों के बीच में हमें डिस्टर्ब करते हो, ये आ गया जानवर। जानवर को मैं करके दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं ऐसे भाई, वो तुम करोगे ना, मुझे तो ऐसी आती है ना। तुम बकरा तो तू है ना, मैं तो इंसान हूँ, तुम्हारी टंग लैंग्वेज है ना, तो मैं ऐसे क्यों करूंगा मैं। या अभी करके दिखा देंगे, चलो अब तो करके दिखा। गाड़ी में ये निकाली सब में तगड़ी आवाज, देखा असली बकरा यही है। तो आज हो रही है ठंड, बहुत खराब भाई, आज हो रही है बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ठंड है यार तुम्हारी कसम। ठंड में हीटर चला के घूमना पड़ रहा आज, और बस पूछो मत, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लग रहा है बारिश होने वाली है। तभी कैंसिल होगा, बारिश चल रही आज सुबह से थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन कल से शूट स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और आज हमने बनवाए हैं परांठे, परांठे बनवाए दोस्तों घर, अभी बसवा के परांठे, तो मैं भी खाऊंगा देखिए दोस्तों। और रायता भी बनवाया है इतने ठंड में। मस्तानी से पूछ लो कितनी देर में रेडी हो रहा है, फोन देखिए अभी फोन करके, मस्तानी बना रहा है परांठे, अभी फोन करके पता कर लेता हूँ। मस्तानी हेलो, यस क्या हाल मस्तानी? एकदम बढ़िया, कहाँ हो गुजर? मस्तानी कह रहा है एकदम बढ़िया, कहाँ हो गुजर? तो अरे खाना बन गया ना, बता तुम हो कहाँ? खाना तो बनवा ही रहा हूँ यार, इतना बढ़िया माल बनवाया मैंने यार। क्या बनवाया? मैंने बनवाया बथुआ परांठे और रायता बथुआ का। आए हाय मजा ही आ जाओ। हाँ बथुआ के रायते में बूंदी तैर रही है, बथुआ के रायते में बूंदी, उसे डुबो दे। रायता बथुआ का बनाया है, बूंदी का बथुआ की रायता, बूंदी का रायता, आहा बूंदी पाँच मिनट जल्दी बनवा, तो छत पर बैठ कर खाएंगे आज, तो छत पर बैठ कर खाएंगे, जल्दी बनवा। अरे बारिश गिर जाएगी नितिन भाई, कैसे करोगे? ना बारिश में गिरा जल्दी, हम बाहर पता क्या यार, मैं भी भूखा बैठूंगा सुबह से भाई। हम पता क्या, हम ना कुछ खाने आए थे बाहर, एकदम मस्तानी का फोन आ गया था पहले ही के भैया परांठे बन गए आज, तो हमारा कैंसिल हो चुका है। दोस्त क्या कर रहे हो? तो चलो अभी हम दिखाते तुम्हें परांठे, बताओगे परांठे देखने? देख तो सब नहीं रखे होंगे, लेकिन हम तुम्हारा जी करवा देंगे खाने का। दिखाएंगे जरूर, मोटा घी से परांठे खाने में बहुत मजा आवे, देसी घी हो जो हमें परांठे डुबो के खाओ, या वो नूनी घी हो ना, वो ऊपर से धर लो ना, वो पिघल जा रहा जब वो ऐसे तैरता हुआ परांठा जो जाए ना मुँह में, जीव लपाई जा इनका भी मन कर रहा ठंड में खाने का परांठे भाई। अभी दिखाऊंगा, जाओ अभी दिखाऊंगा। एक महीने की ठंड रहेगी, वो ठंड मतलब जाडा रहेगा एक महीने का। तो पराठे वराठे खा लो बना बना के, ब्रेड के पकोड़े खाओ, पकोड़िया खाओ। और कुछ अगर खाने पीने की हमारे से सलाह लेनी है ना, तो मोटे मोटे ऐसे ही नहीं हो रहे, खा पी के मोटे हो रहे हैं हमने, उल्टे सीधी चीजें बतेरी खा रखी। मोमोज खाओ, हाँ महमूद खाओ, महमूद खाओ, वो व्हाइट वाली क्या हुए वो मियोनीज डाल के ऐसे तैरती हुई गरम गरम मुंह में जावा। चलो ठीक है, मिलते हैं ऑफिस पर जाके परांठे के साथ, तब तक के लिए बाय। हाय मस्तानी, अरे तने यार एक चीज बता, ये तूने मस्तानी बथुआ में बूंदी क्यों डाली है? अरे ऐसा है क्या कुछ? ऐसा ही तो है, खा के देखो। लेकिन मुझे लगता नहीं यार ऐसे, ठीक है अपनी प्लेट से यार। और ये अपनी एक नई चीज है, नई प्लेट है, नई प्लेट, वन मोर न्यू प्लेट आते रहती हैं ऐसी ऐसी, वेरी नाइस ग्रीन पराठा, वेरी वेरी टेस्टी मस्तानी, बहुत शानदार, अमेजिंग। मेरा रहता इसमें तो वही नहीं है मस्तानी, बूंदी। अबे यार बहुत टेस्टी, मजेदार, वेरी नाइस, बटर के साथ बटर पराठा खाएंगे। हरी मिर्च का रायता लो, हरी मिर्च, हरे पराठे, हरा रायता, सब ग्रीन, हरा भरा हो गया सब। वेरी नाइस, तो मान भाई भी आ गए हमारे बीच।
ग्रीन पराठे खाने, ये मैं इन्हें वो नहीं बोल रहा मसों के पराठे, मैं बोल रहा हूँ इन्हें ग्रीन पराठे, हरे भरे पराठे, ग्रीन पराठे। एक और अपना ये आ गया, प्लेट आ गई, एक ये प्लेट है, ये प्लेट हरी मिर्ची के साथ खाने में मजा आएगा। ये हरी मिर्च का रायता है ना, बहुत तगड़ा। हरी मिर्च का रायता, हरी मिर्च का रायता, सॉरी हरी मिर्च का अचार, बहुत अच्छा। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, माय गॉड। खा चुके तुमने? चलो उठो, खा चुके उठो। खा लिया तुमने? मैंने हाँ, प्लेट खा ली होगी मेरी। नितिन भाई पराठेकार रायता का स्वाद लेते हुए, दोस्तों एक चीज बता दूं, ग्रीन रायता, ग्रीन पराठा, ग्रीन वाली मिर्च, सब हरा भरा ही रहेगा। मान भाई की सही उम्र बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, और कमेंट बता दीजिए मान भाई को। और नितिन भाई की कितनी एज है? 32 है, 34 है, 36 है, 70, 43, 43 है तुम्हारी एज? तो नितिन भाई की एज है 43। और इसकी एज कितनी होगी सानी की? इसकी मैं पैदा ही ना होगी ये कह रहा है, मैं पैदा ही ना हुआ अभी तो घर वालों को मिलेगी। वैसे जो बकरे होते हैं इनकी एज एज कितनी होती है? लिमिटेड 15 साल, लास्ट 15 साल रहती है ना। मेरे लिए भी आ गया पराठा, मजा आ रहा है। तो मस्तानी कुछ बोलना चाह रहा है दोस्तों, आपने वाला गाना सुना होगा अनिल सिंह का, मेरे हंजुए दा रहता बनया, देखो मेरे बतुए दा रहता बनया। रायता बन चुका है, रायता बन चुका है, हम पी रहे हैं। और दोस्तों ये मेरी रेसिपी बड़ी लग रहा है, कॉफी नहीं होने दूंगा, लोट लगे पैसे लगे। इस चीज को याद आ गया मुझे, क्या लोट लगे पैसे लगे मान भाई का, मान भाई सिस्टम है। तो आज आपको एक शख्स से मिलवाऊंगा, ये शख्स आज मिलेंगे, पहली बार, आज से पहले तो मिली नहीं, नहीं आज से पहले नहीं मिले, आज स्पेशल है ना कुछ हरे भरे पराठे के साथ। नमस्ते दीदी। हां भाई थोड़ा। नमस्ते दीदी। नमस्ते, क्या हाल है? ज्यादा नहीं खाना। मैं बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? इन सब से कुछ मूली के पराठे, मूली के पराठे झूठ बोल दिया दीदी, दीदी को यही नहीं पता, यही नहीं पता ये पराठे इसे ग्रीन रायता हो गया, ग्रीन पराठे हो गए, ग्रीन वाली मिर्च हो गई, बस आगे नहीं, आगे नहीं। अब आगे मृदुल भाई, आगे सर है तुम लोग, कल भी हाँ आता फिर दोस्तों शूट कैंसिल होने के चक्कर में, और आज भी तो शूट तो कैंसिल हो ही गया दोस्तों। अब देख लो तुम्हारा भाई जो है ना, गत्ता ना फाड़ के लगा रहा हूँ, आग लगानी है यार हाथ अपने को, मजा जो है ना वो अलग है, जलाना भाई है, जलेगी जलेगी सब जलेगा यार, तू यार रख तो सही, मैं लगाऊंगा ना अपने तरीके से, या तो ऊपर ना रखनी यार, आग जल लिया बढ़िया हमारी, मतलब शुरुआत हुई है, शुरू भैया दोस्तों देखो ये है तो सही, हमारे तो हीटर भी, लेकिन जो मजा ऐसा हाथ ताप अपने में ना उन्होंने मिला कहीं भी, हाथ ताप मूंगफली मंगवा लो, ओहो क्या बात भाई, पहले पलाई धरी जाएगी वाली, ऐसा चले कहूँ ये जले ना लकड़ी, जलेगी जलेगी देखेंगे, चलो कह रहे हैं सब जलेगी दोस्तों, ऐसा कौन जलाता आग बताना, ऐसे ऐसे आग जला कर भैया, रुक तो जा यही आग हम तो जलती हुई दिखाते हैं, ओके वीरो परांठे खा के बैठे हैं हम भी यहाँ, बथुआ के परांठे कहते हैं इन्हें भी, और हमने भी सदा आग लगाई दोस्तों। नितिन भाई आग जलाते हुए न्यू व्लॉग के लिए, एक व्लॉग यहाँ एडिटिंग पे, एक व्लॉग यहाँ देख रहे हो, देख रहे हो जी, तुम्हारे मारे सिस्टम बना रखा, काम कर रहे तुम्हारे मारे, कोई दिक्कत ना, ऐसा ना जले भाई तो ज्यादा पता। चलो जी दोस्तों बताए, ऐसे इतनी मोटी लकड़ी या गत्ते जल जाएगी तुम बताओ, खुद बताओ कॉमेंट में, बताओ कॉमेंट में। हाँ जी दोस्तों, तो नितिन भाई ने फाइनली फाइनली बढ़िया वाली आग लगा दी है मैंने, यहाँ मैं तसला में कह के घर में आग लगाता हूँ मैं, और जो ना अब जुर्रा उतार के पैर में रख दूंगा यही मैं, ऐसा करके कैसे करके मजा आवे यार, रात ऐसा तापने में ना। हाँ भाई जो बात है, हीटर लगा लो उसकी एक अलग हुआ है, लेकिन जो ऐसे बैठ के मजा आवे ना वो अलग चीज, बहुत बढ़िया लगा वो तो। अब तो देख लो, अब तो देख लो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हर चीज रिकॉर्ड कर करके तुम्हें दिखा रहे हैं, अब भी प्यार नहीं दे रहे तुम तो फिर बेकार हो यार, दे रहे प्यार की कमी ना छोड़ रहे, अमन भाई प्यार के भूखे धन धन दौलत के ना, प्यार और कितना चाहिए तुझे, जान लेगा तो पब्लिक के, आग लगा रखी है हमने, चेयर पे आओ ना, चेयर पे आओ, पर्सनल चेयर है तुम्हारे लिए, आओ, अरे चेयर उठा लो यार, कौन सी और अभी ला रहा हूँ,
भाई कोई बात ना, धुआं से तो लेकिन मजा आ फिर भी। तो सुविधा की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हीटर लग रहा हो ना, ऑफिस बनाओ, लेकिन नहीं यहीं बैठना, यहीं बैठना, यहीं बैठना, बैठो बैठो भाई। देखो आज मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ का मजा। हाँ जी, वो तो चीज है ना कि देसी चीज तो देसी होया करे, तो जितनी ज्यादा चीजें आर्टिफिशियल कर लो ना, लेकिन जो देसी चीज होती है वो देसी होती। अब आर्टिफिशियल तो हीटर तो आर्टिफिशियल ही हो गया एक तरीके से, और उसका मजा कुछ नहीं, दिमाग में चटती है, चक्कर वक्कर आने लग जा। नितिन भाई तो एक बार बेहोशी हो गए थे। आ जाओ हाथ आप लोग। चेयर 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 नहीं नहीं यू वांट चेयर नीचे जाना है मुझे तो अभी। हेलो, ये आग पता किसी ने लगाई है, उसका रीजन सुन लो, हम किसी घर में आग नहीं लगाते, इसलिए तो असली आग लगा के बैठे हैं। हेलो क्या हाल वस्तु, ये मूवी देख रहा हूं। पता है मुझे, जब से मूवी देख रहा हूं पता है, खत्म होने वाला है, आ रहा हूं, आ रहा, काम कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, ब्रांड आया है, मैं बात ही कर रहा हूं, जब तो बात ही कर रहा है, बात तो यहां हो सकती है मस्तानी, मेरा नेट नहीं चल रहा है यहां भैया, मैं रिचार्ज ना मेरे फोन में, तुम रहने दो, मेरे भी नेट चल रहा है यहां, मेरे भी रिचार्ज वाईफाई से चल रहा है, कह रहा हूं मस्तानी प्रो मैक्स एम पे एक्स। आग लग रही है, इतनी बढ़िया हाथ आप हो यार बैठे हैं, अरे हमें हाथ, एक काम कर बकरा बैठा दे, तेरी ज्यादा नहीं लेनी कर कर कर, कोई बात ना कर दो, ये कर अभी मेरे यार, मैं करिए फिर, मैं आग में बैठ, आग लगा के हाथ ताप के, इतना मजा आ रहा, मेरी कसम शाम होगी, ठंड लग रही है मान भाई अब तो। और साथ में खाया है मूंग की दाल का हलवा, तुमने खा लिया, मैंने थोड़ा सा खाया, बहुत मीठा है, तो ज्यादा आंटी ने कटोरी भर के दे दी, और ज्यादा सारी खाना पड़ा मुझे, कोई बात नहीं। अरे यार ये चावल रखे हैं मस्तानी, चावल रखे पन्नी में भर के दोस्तों, हमने ये चिड़िया के लिए, चिड़िया कबूतर जिसको भी खाने हो, ये मतलब एक तरीके से दाना है, ये फेंक दो सर, चिड़िया चुग गई ऊपर वाली छत पे डाल, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत, ये रखे चावल मस्तानी ने छत पे डाल के, जल्दी थोड़े डाल दे यार, उनका भी तो भोजन हो जाए, हमने तो इधर खा लिया, अरे नहीं टूटेगी सीढ़ी, तू जा तो सही, चढ़ चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ लाओ, टूटी पड़ी है यार, अरे नहीं टूटी, चढ़ ना, इसे पहले ऊपर रखियो, तेरे जितना वजन अपना चिड़िया समझ, चीड़ा है चीड़ा, चले जाना रहा, या तो ऊपर नहीं जाना, यहीं तक जाना है, यहीं जाना है, हाँ अपने यहाँ क्या करूँ, अब ऊपर जा, चिड़िया को थोड़े दाने डाल के आ, क्या है ऊपर, अरे दाने डाल दे, चिड़िया तो आई जाएगी, ठीक है चिड़िया हटा दी, अब तू आता रही आराम से, चिड़िया जो है ना चावल चुगने की से चुक के ले जाएगी, मस्तानी गया, मस्तानी कूद कूद, चल कूद जाएगा, कूद जाए, और इतने ऊपर से कूद जाएगा यू, हाँ तू भी कूद जा, और गिर जाएगा मस्तानी ऐसे, उड़े उड़े डरना रहा, इसमें है ही क्या, डरना रहा, और यार बिना सीढ़ी के उतारने में ऐसी, वो ठंड लग रही थी, उतार मस्तानी, लटक के कूद जा, लटकी कूद जा, कूद जा, लटकियो लटकियो, ठंड है भाई यार, लग लुगा जाएगी यार, ठंड यार सही में, लटक जा, चिड़िया डाल, और सुन ज्यादा भी मत रख दिया, कभी चिड़िया पेट खराब हो जाए, टट्टी करने तो आ रही है, जल्दी कर, आवाज नहीं आ रही होगी मस्तानी तेरी, तो नीचे जल्दी सीढ़ी हटा दी, मस्तानी फंसा छत पे, चील कौवा ले जाएंगे मस्तानी को, भाई कोहरा ठंड, मस्तानी हाथ ठंडा हो गया मेरा, ये बहुत ठंड है यार, तुम्हारी कसम कोहरा ही कोहरा हो रहा है, केड़ी वाली ठंड, केड़ी वाली, पीछे वाली बिल्डिंग भी दिखाई नहीं दे रही, देख रहे हो क्यों आया, मस्तानी जल्दी आ, तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी, चल ऐसे कूद जा, घूम के लटक जाएगी बार, जल्दी हाँ ऐसे करके लटक जा, बस लटक जा ले, कल ले केड़ा जी ऐसे बस, ले कूद भी गया, अपना आप आ जाओ, ओए आ पकड़ी, ले पकड़ो यार, पकड़ पकड़ पकड़, छोड़ दे छोड़ दे, इतना कोई वजन तो नहीं, ले आ गया, बस आ गया ना बिना सीढ़ी का, आसानी से ये 3 फीट की ऊंचाई भी नहीं थी, जब यहां तक गया था मैं, यहां तक आ गया तेरे पे, यहां तक था तू, यहां तक सच में, मैं नहीं कह रहा था पहले यहां तक आ जाएगा, हाथ लाल हो गए, देखिए रगड़ के ऊपर, पूरा ठेला लाल है, दोस्तों मेरे हाथ लाल हो गए हैं, और वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों, राम राम जी, जल्दी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, आज के जो पूरे दिन हमने ये सब चीज की है, परांठे खाए और सारी चीज हमने आग लगा के हाथ तापे और सारी चीज करने के बाद, अब मिलते हैं आपको फिर से अगले व्लॉग में, पूरे दिन की सारी चीजें दिखा दी, आज का शूट फिर से कैंसिल होते हुए, अब मिलेंगे हम वीडियो में, मैं वीडियो के पीछे मिलूंगा, नया शूट हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसी के वही कैंसिल हो गया, बस आज कैसे भी मौसम खराब होने की वजह से सुबह बारिश थी एक तो, और एक दो आर्टिस्ट की वजह से फिर चीजें, दीदी की वजह से भी, सही में, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन दीदी है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा शूट कैंसिल होते हैं, बस आपको पता ही, सारे ब्लॉग में देखती है दीदी ने किया शूट कैंसिल, क्योंकि हम शूट करने जाते हैं बात करने बैठ जाती हैं, बस मिलते हैं दोस्तों अगले जल्दी जल्दी ब्लॉग में, ठीक है तब तक के लिए ध्यान रखो, राम राम जी।